पे क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी ये लोग जब आप कहते हैं तो आपसे मुराद परमानेंट गवर्नमेंट जो है मिलिट्री सिविलियन ज्यूडिशियल ब्यूरोक्रेसी कौन लोग हैं आप ये लोग कहते हैं परमानेंट हुकूमत तो मिलिट्री थी? एस्टेब्लिशमेंट की है ठीक है वो किसी को उतारते हैं और किसी को बिठाते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी सिर्फ कोलैबोरेटर है सिविल ब्यूरोक्रेसी इस वक्त कोलैबोरेटर है और सिविल ब्यूरोक्रेसी इंतहाई इस वक्त एक कमज़ोर पोजीशन में चली गई है उनकी कॉम्पिटेंसी के भी इशू हैं और वो मैं समझता हूँ कि एक तरह से सिर्फ लूटमार में लगी है और उनको और कुछ पाकिस्तान की नहीं पड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको अगर आप इकतदार देते हैं जो कि बड़ी मुस्लिम लीग है पीपल्स पार्टी है और पी है तो और इसके बाद उनके अलाइज़ हैं तो वो तैयार हो जाते हैं हर चीज़ के ऊपर बस उनकी हुकूमत होनी चाहिए आप देखें ना 2018 में जो सीन था वही 2024 में है सिर्फ खिलाड़ी चेहरे पार्टियां और नाम बदल गई पहले पीटीआई की जो पोजीशन थी वो अब मुस्लिम लीग नून की है किसी हद तक पीपल्स पार्टी की है किसी हद तक जे और एम की है एम की है और जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की पोजीशन थी वो इस वक्त पीटीआई की है आप नेप के देख लें आप अदालत के केसेस को देख लें आप मीडिया ट्रायल को देख लें आप स्टेट इंस्टीट्यूशन को उनको रोकने के हवाले से जो किरदार है उसको देख लें तो ये सारे के सारे जो सियासतदान हैं ये हर वक्त तैयार होते हैं कि अपना कंधा फराहम करें मिलिट्री स्टेप और इसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि हमारी पोलिटिकल पार्टीज़ फैमिली आउटपिट्स हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं

उस तरफ आपको नहीं लगता कि पीटीए की बैरक डिपेंडेंसी अब थोड़ी सी मेरा ख्याल है वो जिस तरह बच्चे को बॉटल के ऊपर से वीन ऑफ नहीं किया जाता शायद जल्दी बोतल निकाल लिया उसके मुंह से पैसिफायर <laughs> देखें ये बात आप फिर बिल्कुल ठीक है कि बोतल जरा गैर متوقع तौर पर जल्दी निकाल दिया लेकिन वो जो आपको ये हालात का جبر है और ये मजबूरी कि एक, 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 एक स्ट्रेटजी है और वो इस कोशिश में लगी है यानी मैं तो इसका खुद गवाह हूं कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो रही थी तो आपको पता है कि कौमी असम्बली और सैनट के कोई चार सौ चालीस से ज्यादा मेम्बरान हैं इसमें वाहिद मैं था, नेता ने रिटन अमेंडमेंट्स उस एक्सटेंशन के खिलाफ पार्लियामेंट में जमा किए थे अकेले दुनिया सिर्फ एक में सिर्फ एक में पूरे सेनेट पूरे कौमी असम्बली में जिसने रेटन अमेंडमेंट्स हो सकता है जबानी मुखालफत कुछ और लोगों ने भी की लेकिन उस कानून के अंदर तहरीरी तरामीम उसका उसके मुकाबले में बिल वो सिर्फ और सिर्फ मेरा था जो कि सेनेट सेक्रेटरीट में था और जो इंट्रोड्यूस हो गया और जिसे रूल्स रेगुलेशन को बुलडोस करके रिजेक्ट किया गया मुझे प्रेजेंट करने उसके ऊपर बोलने का मौका नहीं आपको पता है उस वक्त मुझे मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी पी हुकूमत में थी तो इन दोनों के दरमियान एक दौर था पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग वर्सेस पीटीआई टी के हम ज्यादा से ज्यादा भाजवा को खुश कर ले तो मैंने एक मुस्लिम लीग के बड़े नामी ग्रामी लीडर से पूछा कि ये आप लोगों ने किया क्या क्या? ये सोशल मीडिया पे आप लोगों के खिलाफ एक पूरा कैंपेन चल रहा है और आप लोगों का स्टांस था वोट को इज्जत दो ये आप क्या कर रहे हैं कहते हैं यार छोड़ो सोशल मीडिया को ये उनके अल्फाज है छोड़ो सोशल मीडिया को दो तीन दिन का बुखार है तो मैंने कहा क्या हुआ है कहते हुआ ये कि इमरान ख़ान ने सीना दबाया तप तपाया कि मैं आपको एक्सटेंशन देता हूँ वो नाकाम हो गई हमने सीने पे हाथ रखे कि ये ना है ये काम नहीं कर सकता हम कर सकते हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि हम इनसे ज़्यादा ख़िदमत करने वाले अब जहाँ ये कैफियत हो कि एक सरकारी नौकर सर्विस चीफ तो ट्वेंटी ग्रेड का एक अफसर होता है ना उसकी खुशनुदी के लिए आउट ऑफ द वे जाके पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे मुकाबला करते हैं तो वहाँ पार्लियामेंट कैसे सावरण होगा कैसे अवाम की उम्मीदों का मरकज होगा इसलिए इनकी वजह से आज पार्लियामेंट कमज़ोर है डेमोक्रेसी इस वक्त कमज़ोर है और इस वक्त बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स का कोई इज्जत वहतराम नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं है और